जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में हुए एनकाउंटर के बाद जनपद का बहादुरगढ़ इलाका भी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जहां एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने फायरिंग की और एक गोली बदमाश के पैर में जाकर लगी, जिससे वह घायल हो गया। थाना बहादुरगढ़ पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने इस दौरान बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से अवैध असलाह, खोखा, जिंदा कारतूस, CT-100 बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार किया गया बदमाश अभिषेक उर्फ पोलार्ड है। थाना बहादुरगढ़ की टीम और SOG की टीम चेकिंग कर रही थी पलवाड़ा मोड़ नहर के बंबे पर, जब समय 4:30-5 के बीच एक सामने से बाइक आती दिखी। बाइक चालक बदमाश को रोका गया तो उसने बाइक ना रोककर यहां कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दी, फिसल कर गिर गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर एक गोली लगी है और उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 315 बोर की एक खाली खोखा और 315 बोर का एक कारतूस, जिंदा कारतूस, CT-110 बाइक बरामद हुए हैं। बदमाश का नाम अभिषेक उर्फ पोलार्ड बताया जा रहा है। मामला शनिवार की तड़के करीब 4:45 का है, जब बहादुरगढ़ पुलिस और SOG की संयुक्त टीम पलवाड़ा मोड़ नहर के बम्बे पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच उसने सामने से आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। बाइक सवार ने पुलिस को देखकर बाइक मोड़ ली। इसी बीच कच्ची सड़क पर जाते ही बाइक फिसल गई। जैसे ही पुलिस बदमाश की ओर बढ़ी तो उसने पुलिस पर गोलियाँ चला दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश को मुँह तोड़ जवाब दिया। एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस दौरान बदमाश से बाइक, 315 वोट तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम अभिषेक उर्फ पोलार्ड बताया है, जो थाना मवाना जनपद मेरठ से धारा 307 से जुड़े मामले में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर जनपद मेरठ और हापुड़ में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट आदि के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं।